इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, खरीदारी के बहाने लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें, जवाहर नगर इलाके की ज्वेलरी शॉप की ये घटना है, जहां पर पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बता दें, जवाहर नगर इलाके की ज्वेलरी शॉप की ये घटना है, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक ज्वेलरी शॉप पर जो लुटेरे थे, उन्होंने खरीदारी के बहाने से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीड़ित ने जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जवाहर नगर इलाके की ये घटना है, वहां पर एक ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें, जयपुर में खरीदारी के बहाने ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी चुरा ली। पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। बता दें, जवाहर नगर के ज्वेलरी शॉप की यह घटना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या बताएंगे, ये जो घटना हुई है ज्वेलरी की, क्या आरोपी पकड़ में आए हैं और पुलिस की जांच में क्या सामने आ रहा है? देखिए, एक बार फिर राजधानी में गिरोह सक्रिय हो गया है, जो ज्वेलरी शॉप का निशाना बना रहा है, ध्यान बताकर ज्वेलरी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। ऐसा एक मामला जवाहर नगर थाना इलाके में सामने आया है, जहां एक ज्वेलरी शॉप पर एक युवती और एक शख्स पहुंचे, जहां युवती की शादी का बहाना बनाकर ज्वेलरी पसंद करने के लिए अलग अलग तरह की डिजाइन दिखाने की मांग की। जैसे ही दुकान पर बैठे दुकान मालिक ने उन्हें ज्वेलरी बॉक्स थमाया और ज्वेलरी दिखाई, उसके बाद कुछ देर बाद ही एक महिला मौके पर पहुंची और उसने भी ज्वेलरी देखने का बहाना किया। घूंघट के आड़ में महिला अंगूठियों से, सोने की अंगूठियों से भरा एक पाउच लेकर फरार हो गए। तीनों जाने के बाद जब दुकान मालिक ने अपना सामान संभाला तो स्टॉक में सोने की अंगूठियों का एक पाउच जो है वो नजारा मिला, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर उनकी तलाश की गई, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवती महिला और शख्स की तलाश जो है तेज की। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें, जयपुर के जवाहर नगर की एक ज्वेलरी शॉप की घटना है, जहां पर ज्वेलरी की खरीदारी के बहाने चोरों ने ज्वेलरी उस शॉप से चुरा ली। पीड़ित ने जो है पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है।